बच्चे ने खास करके ये चॉकलेट डोनट लिया, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ के डोनट अदर डोनट से, मैंने मतलब कुछ और जगह पे भी डोनट्स ट्राई किया है, उससे काफ़ी अच्छा लगा मुझे खाने में। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग आए हैं स्टारबक्स में कॉफ़ी के लिए। और यहाँ पे जब मैं नहीं आया था तो मुझे हमेशा ये रहता था कि स्टारबक्स का कॉफ़ी का प्राइस कितना होता है। तो मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि जब हम लोग कॉफ़ी पी रहे हैं तो इसका प्राइस कितना है। तो ये एक कॉफ़ी मैंने मीडियम साइज़ की ये ऑर्डर किया है, तो ये मैंने एस्पेलाटे ऑर्डर किया है और इसका प्राइस लगभग 18 रियाल पड़ा है। 18 रियाल मतलब 360 रुपया इंडियन करेंसी में स्पेनिश लैटे का। और इसके ऊपर से फ्लेवर अलग से डाला गया है 4 रियाल का, यानी 4 रियाल मतलब 80 रुपये अलग से, 360 प्लस 80 कर सकते हैं, 420 रुपये के आसपास जो है सो आपको एक कप कॉफ़ी मिलता है, जो आपको इंडिया के रेट के हिसाब से बता रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे आया था, मुझे कॉफ़ी का ज़्यादा शौक़ नहीं है, लेकिन मैंने सोचा जरूर एक बार ट्राई करना चाहिए, उसके लिए मैं यहाँ पे एक बार आया था। आप अगर नहीं आते आए हैं यहाँ पे और आना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको जानकारी के लिए वीडियो बना रहा हूँ। इसमें मैंने एक बच्चे के लिए डोनट भी खरीदा था, तो डोनट का जो पैसा है लगभग उसमें 9 रियाल यानी कि 180 रुपये का एक डोनट मिला है। तो ये मैं सोचा कि आपको बता दूँ, अगर आपको कभी बाहर जाना चाहते हैं, किसी कहीं पे जाकर आप कॉफ़ी लेना चाहते हो स्टारबक्स में, तो आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी हो जाए कि स्टारबक्स में कॉफ़ी कितने का मिलता है। और आपको इसे जरूरी कोई और भी, यहाँ पे बहुत सारे आइटम्स हैं, कुकीज़ वगैरह बहुत सारे पैक हैं जो भी थोड़े कॉस्टली हैं, तो मुझे थोड़ा बाहर के मार्केट थोड़ा तो कॉस्टली प्रतीत हुआ, लेकिन कॉफ़ी तो इसी रेंज में, ऐसे किसी दुकान इसी रेंज में मिलता है। तो ये आप देख पा रहे हैं ये कैसा दिखता है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुछ कुछ ये इंडोनेशिया का कुछ यहाँ पे आइटम्स हैं, और ये जो है केन्या का है, इसका प्राइस लगभग 50 रियाल है, और ये भी 50 रियाल का है। उसी तरह से यहाँ पे और भी बहुत सारे आइटम्स हैं रखे हुए, और इसके साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको वैरायटी वैरायटी बहुत सारे आइटम्स हैं जिनके प्राइस भी आपको यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। और इसके साथ यहाँ पे आपको प्राइस बोर्ड भी लगा रहता है जहाँ पे आप प्राइस देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने परमिशन लिया, इन्होंने मुझे परमिशन दिया, थैंक यू वेरी मच फॉर परमिशन। सी यू कैन सी हियर देयर आर सो मेनी आइटम्स। मेरे बच्चे ने खास करके ये चॉकलेट डोनट लिया, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ के डोनट अदर डोनट से, मैंने मतलब कुछ और जगह पे भी डोनट्स ट्राई किया है, उससे काफ़ी अच्छा लगा मुझे खाने में। और ये सारे आइटम्स हैं यहाँ पे, यहाँ पे बिलिंग वगैरह होता है, ये देख पा रहे हैं। ये कुछ इस तरह का है। तो यहाँ पे आप बाहर में भी बैठ के कॉफ़ी का मज़ा ले सकते हैं, और कुछ स्नैक्स वगैरह भी आप इंजॉय कर सकते हैं। ये बाहर में काफ़ी कन्वीनियंट है, और यहाँ पे पार्किंग वगैरह की भी अच्छी व्यवस्था होती है, तो आपको काफ़ी अच्छा अनुभव होगा अगर आप स्टारबक्स में आते हैं। यहाँ से देखिए, ये ड्राइव थ्रू है, यहाँ से आप इस साइड से जाते हैं और वहाँ पे कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं। इन लोग के पास एक लगा हुआ होता है ऑर्डर करने के लिए, आप इस साइड से ऑर्डर करते हैं, उस साइड से लेकर के निकल जाते हैं सीधे। तो मैंने पूरा डिटेल इसमें बताया आपको स्टारबक्स का कॉफ़ी का। आप जानते हैं स्टारबक्स काफ़ी कमाल की कॉफ़ी बनाने के लिए जाने जाते हैं।